वेलकम टू माय एनएस व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। तो आज मैं बना रही हूँ बच्चों की मोस्ट फेवरेट खिचड़ी मसूर की दाल और चावल से। मसूर की दाल और चावल को मैंने मिक्स कर लिया, तकरीबन 3 पाव के करीब हैं ये दोनों चीज़ें मिलाकर। और इन्हें मैंने अच्छा सा धो के और जो है 15 मिनट के लिए उनको पानी में भिगो दिया। और अदरक लहसुन लिया है मैंने 1 टीस्पून। एक बड़ी गट्टी प्याज की ली है। गरम मसाला साबित है, साबित गरम मसाले में सारी चीज़ें हैं। बड़ी इलायची है, दालचीनी है, लौंग है और काली मिर्च है। नमक लिया है पानी चावलों के हिसाब से मैंने 2 टेबल स्पून। चलें स्टार्ट करते हैं फिर। अब हमारी खिचड़ी के लिए जो है मैंने देगची में घी लिया। घी जो है दरमियानी प्याली जो है भर के लिया है। आप देसी घी भी ले सकते हैं और थोड़ा मक्खन भी शामिल कर सकते हैं। बड़ी अच्छी मज़ेदार सी खुशबू भी आती है और टेस्ट भी बहुत अच्छा आ जाता है खिचड़ी में। तो अब घी जो है हमारा वो गरम हो गया है, तो सबसे पहले हम इसमें गरम मसाला शामिल करेंगे। एक दो मिनट के लिए जो है उसको हम घी में रहने देंगे, थोड़ी सी खुशबू आ जाए, फ्लेवर आ जाएगा इसका। फिर उसके बाद जो है हम प्याज शामिल करेंगे। मैं इसमें प्याज शामिल कर रही हूँ। मिक्स कर लूँगी। जब प्याज जो है लाइट ब्राउन होने लगेगी तो उसके बाद जो है मैं अदरक लहसुन का पेस्ट जो है वो इसमें शामिल करके और उसको भून लूँगी। अब हमारी प्याज जो है वो हल्की ब्राउन होने लगी है तो मैं अदरक लहसुन इसमें शामिल करके और जो है उसको अच्छा सा भून लेते। अदरक लहसुन अच्छा सा भून गया है। अब मैं इसमें 3 पाव चावल के हिसाब से जो है 4 गिलास पानी इसमें शामिल कर दूंगी, नमक शामिल कर दूंगी और जब पानी में बॉईल आ जाएगा तो फिर मैं इसमें चावल और दाल जो है वो शामिल करके फिर आपको दिखाती हूँ। देखिए पानी में जो है उबाल आ गया है। अब मैं इसमें चावल और दाल जो है शामिल करके फिर आपको दिखाती हूँ। देखिए मैंने चावल इसमें शामिल कर दिए थे। अब ये चावल और दाल जो है इसमें पक रहे हैं। बड़ी प्यारी मज़ेदार सी खुशबू आ रही है। अब जब पानी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा तो फिर मैं इसको ढक्कन लगाकर तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए दम लगा दूंगी, फिर आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। अब हमारा पानी जो है चावलों का बिल्कुल खुश्क हो गया है। अब मैं इसको दम पर लगा रही हूँ 10 से 15 मिनट के लिए। देखिए हमारी मज़ेदार सी खिचड़ी तैयार है, टमाटर की चटनी और रायते के साथ। बहुत अच्छी मज़ेदार बनती है, बच्चों को बड़ों को सबको पसंद आती है और जल्दी झटपट से बन भी जाती है। तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। कमेंट्स में बताइएगा कि आपको कैसी लगी आज की वीडियो। और मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। अपनी दुआओं में मुझे मेरी फैमिली को ज़रूर याद रखिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।